नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किचन गैजेट्स के आज हमारा थर्ड एपिसोड है। तो मैंने जो कुछ भी प्रोडक्ट्स मंगवाया है अमेजोन से, उसी का अनबॉक्सिंग करते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ऐसा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट होता है कि मैं आगे भी ऐसा ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन गैजेट्स के अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करते हैं, देखते हैं ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का प्रोडक्ट है पहला, वो है ये मिनी चॉपर। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये मिनी चॉपर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, बहुत ही छोटा सा और देखने में भी क्यूट। और इसके अंदर एक ब्लेड दे रखा है, इसे हमें इस तरीके से लगाना है। तो मैं इसमें आपको प्याज चॉप करके दिखाती हूँ। इसे हम अभी साइड में रख देंगे, चॉपिंग बोर्ड। प्याज को हम चार टुकड़ा कर लेंगे, या ज्यादा बड़ा है तो आप इसे तीन टुकड़ा कर ले। इसे हम खोलेंगे, पता नहीं एक साथ आएगा कि नहीं। अब इसे हम इस तरीके से बंद करके थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देंगे। यहाँ पे एक कुछ दिया हुआ है, इसे हमें खींचना है। तो शायद प्याज हमारा ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल देती हूँ। और ब्लेड को हमें अच्छे से लगाना है। अब इसे हमें ऐसे प्रेस करके इसे ऐसे खींचना है। एक धागा दिया हुआ है, आपको जितना फाइन चॉप करना है आप उतना इसमें कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे, इसमें प्याज हमारा अच्छे से चॉप हो गया है। जब आप कुछ भी चॉप करने के बाद इसे निकाले तो सबसे पहले आप ब्लेड को निकाल के अलग रख दे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा धार है। तो आप देखिए, अगर थोड़ा और करेंगे तो ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा। तो आप इस चॉपर में आप धनिया, हरी मिर्च, प्याज कुछ भी इसमें ऐसे फाइन चॉप कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, देखने में भी काफी सुंदर है, ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इतना छोटा है कि हमारे किचन में कहीं पे भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अमेजोन से मंगवा सकते हैं। और इसे धोना भी बहुत आसान है, प्लास्टिक का है, ब्लेड को अलग निकाल के उससे अच्छे से धो ले, उसके बाद अब इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ये है हमारा गार्लिक चॉपर। इसके अंदर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और देखिए, और ये साइज में बहुत ही छोटा है और पतला है, ये किचन में कहीं पे भी आपका सेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैं गार्लिक चॉप करके आपको दिखाती हूँ। एक प्लेट ले लेंगे, मैंने कुछ गार्लिक यहाँ पे छील के रखा है। तो अगर छोटा लहसुन है तो आप इसमें तीन से चार डाल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से बस हमें इसके अंदर डालना है। और ये वाला जो है, इसे हम इस तरीके से इसमें, देखिए, और इसे हल्का हमें प्रेस करना है।
देखिए बिल्कुल हमारा यहाँ पे गार्लिक जो है बहुत अच्छे से हमारा चॉप हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए नॉर्मली गार्लिक जब हम चॉप करते हैं सिर्फ हम उसे चॉप करते हैं और इसमें अच्छे से ये गार्लिक क्रश भी हो गया है। तो जो भी जिस किसी सब्जी में हम डालेंगे तो गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आएगा। तो ये स्टील का बना हुआ है और इसे धोना भी बहुत आसान है। देखिए इस तरीके से इसे हम ऐसे ही आराम से निकाल के धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स गार्लिक चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो आप इसे अमेजोन से मंगवा सकते हैं। किचन में कहीं पे भी हमारा ये अच्छे से सेट हो सकते हैं। इसे रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। फ्रेंड्स हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है इस तरीके का बना हुआ कैची। तो इसे हम खोल लेंगे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, साइड में रखते हैं। ये कैंची है बट हम जो नॉर्मली कैंची यूज करते हैं वो सिंगल में है। यहाँ पे पांच पांच ब्लेड दिया हुआ है, देखिए पांच ब्लेड इसमें बना हुआ है। ये थोड़ा सा टाइट भी है, ग्रिप बनाने में हमारे बहुत मदद करेगा। तो मैं इसे कुछ काट के आपको दिखाती हूँ। तो इसमें आप अच्छे से साग काट सकते हैं बट अभी मेरे पास साग नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बीन्स है। तो इस तरीके से हम बीन्स को कैंची से जब काटते हैं तो एक एक हम काटते हैं। तो ये किस तरीके से हमारा काम करते हैं मैंने पहले कभी यूज नहीं किया है तो मैं पहली बार इसे मैं पहले सामने वाला हिस्सा काट के अलग कर दूंगी। थोड़ा सा टाइट है, शायद नया है इस वजह से। ये देखिए अब हम इसे साइड में कर देंगे और हमें थोड़ा सा हमें इसे प्रेस करना ज्यादा पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं ये किस तरीके का काम कर रहा है। बिल्कुल हमारा सब्जी तो चारों तरफ बिखर रहे हैं। साइड में रख देते हैं। इसी से पता चल गया कि ये कितना हमारे लिए काम का है। सारे बीन्स हमारा खराब हो चुका है। देखिए नॉर्मली हम बीन्स की सब्जी बनाते तो ऐसे नहीं काटते है ना, तो ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज हमें। और इसे साफ करने के लिए ये दिया हुआ है, अगर जैसे ये फंस गया है इसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल यूजलेस है। हमारा सिंगल कैची सही है। तो आपने देखा ये किस तरीके से काम करता है और कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो आप इसे अमेजोन से मंगवा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। फ्रेंड्स हमारा जो अगला प्रोडक्ट है ये ऐसे इस तरीके से चॉपर है। तो इसमें काफी सारे खाना बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें खीरा, टमाटर, आलू, हर चीज आप काट सकते हैं। कद्दूकस करने का भी इसमें सिस्टम है। तो इसे हम खोल लेंगे। और इतने सारे आपको मिल जाते एक ही डब्बे के अंदर। जो भी सारे ब्लेड है ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो हमें ब्लेड को अलग रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसे हम खोल लेते हैं।
कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, तो जैसे इसे ऐसे बंद करना है तो इसे हम थोड़ा हल्का प्रेस करेंगे। तो मैंने पहले नहीं खोला था तो इसलिए दिक्कत हुई, बस हल्का इसे हम खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें ब्लेड दिया हुआ है, दो तीन चार, यहाँ पे एक स्मार्ट पीलर दिया हुआ है, हम इसे पील कर सकते हैं। और नॉर्मली जो हम मार्केट से पीलर यूज करते हैं तो ये चीज घूमता है, तो यहाँ पे लॉक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा, तो इसकी वजह से ये घूमता भी नहीं है। कोई भी छोटे मोटे आप चीज अब इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं, अदरक हो, और ये भी देखने में बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे भी काफी सारे ब्लेड है, तो मैं आपको एक दो यूज करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हमारा काम करेगा। देखिए ये चिप्स, ये ग्रेट करने के लिए, ये भी शायद टमाटर प्याज चॉप करने के लिए, और ये कुछ दिया हुआ है ये पता नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम ले लेंगे और इसे हम हल्का लगा देंगे। देखिए कोई भी आप ब्लेड ले लीजिए, इसमें हम इस तरीके से लगाएंगे। ये शायद फ्रेंच फ्राइज कटने का, आलू को हम आधा कर लेंगे, ये साइज में बड़ा है तो इसके नाप का हम आलू ले लेते हैं। आप इसमें प्याज भी चॉप कर सकते हैं। देखिए प्याज को हम पहले दो टुकड़ा कर लेंगे और इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे, तो चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज हमारा अच्छे से कट गया है, और जैसे नॉर्मली हम सब्जी में डालते हैं ठीक उसी तरीके से हमारा ये प्याज कटा है। लेकिन काटते टाइम आपको कुछ भी आप इसमें डालें तो उसे आधा कर लें, आधा आलू आधा प्याज। तो आलू ले लेंगे हम, इस तरीके से रखेंगे और इसे हम प्रेस करेंगे। थोड़ा आलू के टाइम में हमें दिक्कत हो रहा है, प्याज सॉफ्ट है तो वो एकदम से आ गया था नीचे। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये आलू काटने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो आलू इसमें हम जितना भी प्रेस करें वो अंदर ही नहीं जा रहा है, तो आधा करने के बाद भी मुझे नहीं लगता ये ब्लेड हमारे लिए काम का है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो हिस्सा है ये हम इस तरफ कर लेंगे, तो देखते इसमें हमारा आलू कौन से साइज में या कौन से शेप में कटता है। तो इस तरीके से रख लेंगे, इसमें तो बहुत आराम से आलू हमारा इसमें बहुत ही अच्छे से कटा है। देखिए बहुत बड़े बड़े पीसेस में, जब आप आलू फ्राई करते हैं या किसी सब्जी में डालते हैं तो इसका कटिंग तो बहुत ही अच्छा है, बस फ्रेंच फ्राइज वाला कटिंग मुझे पसंद नहीं आया। अब मैं आपको दूसरा एक ब्लेड यूज करके दिखाती हूँ, इसे हम रख देंगे। बस हमें इसे अंदर इस तरीके से लगा देना है। प्याज ले लेंगे, उसे भी हम आधा करके डालेंगे। देखिए इसमें डाइस के शेप में हमारा अनियंस कटे हैं, थोड़ा सा चौकोर साइज में, तो ये भी कटिंग अच्छा है। और ये दूसरी तरफ जो है ये हम चेक करेंगे, इसमें हम डाल देंगे अनियन। ये ब्लेड भी हमारे, ये देखिए बिल्कुल ये दब रहा है, जितना भी हम प्रेस कर रहे हैं ये बिल्कुल फंसा हुआ है, अंदर ही नहीं जा रहा है। देखिए ये ब्लेड भी हमारे लिए बेकार ही है, ये देखिए फंस गया ये।
तो फ्रेंड्स इसमें से ये वाला चीज़ अच्छा लगा और फ्रेंच फ्राइज वाला और ये जो दूसरी तरफ ब्लेड है, ये दोनों ही मुझे नहीं लगता कि हमारा काम के लिए सही है। तो फ्रेंड्स ये जो बाकी ब्लेड्स है ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसा होगा। तो अगर आपको ये काम का लगे तो आप इसे मंगवा सकते हैं नॉर्मली, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे हमें पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आधे जो ब्लेड हमने लिया था जो हम फ्रेंच फ्राइज वगैरह काटने के लिए, वो तो हमारे लिए काम का नहीं रहा, और बाकी रहा प्याज चॉप करने का, वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये यूजलेस है। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने अमेजोन से मंगवा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, वाटरमेलन कटर। तो मैं इसे अनबॉक्स कर लेती हूँ। मैंने पहले वाली वीडियो में भी वाटरमेलन कटर एक दिखाया था, आप चाहे तो वहां से वो जो मैंने पहला प्रोडक्ट है उसका रिव्यू आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, देखिए। तो मैं वाटरमेलन ले लेती हूँ। यहाँ पे हमने वाटरमेलन को आधा कर लिया है, तो हमें इसे इस तरीके से काटना है। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम ऐसे अंदर की ओर प्रेस करेंगे और ऐसे आगे की ओर ले आएंगे और ऐसे हम ऊपर की ओर करेंगे, और ये उल्टे जो उल्टे साइड से हम इसे इसे ऐसे पकड़ेंगे। देखिए ये बहुत आसानी से निकल गया है। इसे हम रख लेंगे किसी ट्रे में। तो इसी तरीके से हमें इसे यूज करना है, इसे हमें उल्टा करके काटना है और थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें इसे ऐसे लाना है, और इसे उठाने के लिए हम सीधा ऐसे उठाएंगे। बहुत ही सुंदर स्लाइस में हमारा ये कटा है। तो इसी तरीके से वाटरमेलन काटने का ये काम करता है। उठाएंगे हम इसे इस तरीके से। इसमें काफी टुकड़ा होके नीचे गिर भी गया है, तो मुझे ये ज्यादा फायदे का नहीं लग रहा है कि इससे हम चाकू से बहुत अच्छे से काट सकते हैं। तो आपने इसका रिव्यू देखा, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अमेजोन से मंगवा सकते हैं। मुझे ये ठीक ठाक लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा आज का जो भी प्रोडक्ट था, तो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करती रहूंगी। और जो भी प्रोडक्ट्स आपको इनमें से जरूरत पड़े तो आप यहाँ अमेजोन से इसे मंगवा सकते हैं। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।